हेलो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं रघुवीर सिंह एक्सेल कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपके पास ये वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो इसलिए बनाई गई है कि हम एक एग्जाम लेने वाले थे पिछले साल मार्च में, 27, 28, 29 या 31 के आसपास। उससे जस्ट 7-8 दिन पहले आपके पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग गया और वो एग्जाम हम नहीं लेने पाए थे। उसका नाम था एक्सेल टैलेंट एंड एग्जाम, ठीक है। तो वही एग्जाम उन्हीं डेट्स को, मतलब कौन सी डेट्स, 27, 28 और 31 को एग्जाम फिर से लेने वाले हैं। ये एग्जाम क्या है, सबसे बढ़िया बात तो, सबसे खास बात जो है इस एग्जाम की ये है कि कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक रुपया इसका चार्ज नहीं, ना तो रजिस्ट्रेशन चार्ज है ना एग्जाम देने का चार्ज। और अगर आपने इस पे परसेंटेज हाई, जैसे आपने पूरा 50 क्वेश्चन का एग्जाम, टोटल एग्जाम जो है 50 क्वेश्चन का, अगर आपके 50 सही होते हैं तो आप पूरी कोचिंग पे पूरे साल फ्री पढ़ोगे, एक रुपया नहीं लगेगा आपका। आज के जमाने में फ्री में कोई राय भी देना नहीं चाहता है, हम फ्री में कोचिंग पढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है, कोई भी चीज आपको रोक सकती है इस एग्जाम को देने के लिए। वो अलग बात है कि आप जहां पढ़ रहे हैं, जिस कोचिंग पे जा रहे हैं, वो टीचर सोचते हैं कि वहां चला जाएगा, एग्जाम दे लेगा, वहीं का रह जाएगा। उनको बताए ना, जो हमारे यहाँ है वो तो सारे एग्जाम देने वाले हैं। जिन जिन से हम जिस स्कूल में जाते हैं वो सारे बच्चे एग्जाम, हमने जिसको बताया है, जिस तक ये बात पहुंची है, वो बिल्कुल इस एग्जाम को देना चाहता है, क्योंकि इस एग्जाम का नुकसान नहीं है। एग्जाम देने से नुकसान क्या है, आप आए यहाँ पे, जैसे कि अपन ने 27 है, 27 को पहला एग्जाम, 3 दिन है, 27, 28 और 31 मार्च को ये एग्जाम है, सुबह 11 से 12, 11 से 12 है एग्जाम, 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो आप एक काम करेंगे, 10:30 बजे तक यहाँ आ जाए, तो जो भी फॉर्मेलिटीज है, रजिस्ट्रेशन वगैरह, जो फॉर्म वॉर्म फिल करवा रहे हैं, वो सब आप फिल करके दे दें, ताकि आपको भी ऐसा ना लगे कि हमारा 1 मिनट भी वेस्ट हो। क्योंकि 1 घंटे का एग्जाम, 50 क्वेश्चन, हार्ड तो है बट चार्ज नहीं है ना, पैसा तो लग नहीं रहा अपना, एग्जाम देने में बुरा ही क्या है। आप एग्जाम तो दे, कम से कम आपकी क्वालिटी पता चलेगी कि हाँ यार, ये कोचिंग 5 साल से पढ़ा रही है, वो कोचिंग जो 15-15 साल से पढ़ा रही है, कुछ नहीं, बस पैसा ले रहे हैं, बस कुछ परसेंटेज नहीं है, वही 80%, 85% बन रही है यहाँ पे हर साल, कम से कम 90, 95 वाले 2-4 स्टूडेंट तो निकलते हैं, कम स्टूडेंट में वो लोग 80-80 लेके बैठे हैं, एक एक दो दो स्टूडेंट भी नहीं है 95 वाले। तो यहाँ पर आके देखे तो सही कि ऐसा क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रहे लोग। एग्जाम देने में कोई बुराई नहीं, एग्जाम का कोई चार्ज नहीं, फ्री, सबसे बड़ी बात तो फ्री है, 1 रुपया लेना, 50 रुपये भी नहीं है कि भाई रजिस्ट्रेशन के 50 रुपये, बिल्कुल फ्री एग्जाम है। तो और क्या क्या खास है इस एग्जाम में, जैसे कि सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, 50 क्वेश्चन का एग्जाम, 1 घंटा, 11 से 12, 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में किस तरीके के क्वेश्चन है, सबसे पहली बात, उसमें 20 क्वेश्चन आपके किसके हैं, मैथ्स के हैं। सबसे बात, 20 क्वेश्चन किसके हैं, मैथ्स के हैं, 15 क्वेश्चन साइंस के। अभी साइंस में क्या है, जैसे कि मान लो आप कुछ भी आ सकता है, ईवीएस आ गई, मतलब जैसे कि आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी आ गए कुछ, और एसएसटी के कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, साइंस के अंदर ईवीएस आ गए, मतलब साइंस से रिलेटेड जो भी है जनरल नॉलेज के, वो सब क्वेश्चन आ सकते हैं। और 15 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, इंग्लिश में आपको क्लियर कर दूं मैं, सिर्फ ग्रामर है, ग्रामर के अलावा कुछ भी नहीं है। आप ये सोचे कि सर तो पता नहीं कौन सी बुक से पढ़ाते हैं, जबरदस्ती के 15 क्वेश्चन देंगे, फेल कर देंगे और हो गया काम, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ 15 क्वेश्चन सारे के सारे वो किससे रिलेटेड है, पूरे ही ग्रामर से रिलेटेड है, ठीक है। एग्जाम कैसे है, 11 से 12। अब देखो, आपने बहुत सारे लोगों के पास पंपलेट दिया, वो पिछले साल का था, पिछले साल क्या था, हमने क्वेश्चन जो थे 100 क्वेश्चन थे, 2 घंटे का पेपर था, लेकिन आया कोरोना और दुनिया बदल दी, तो हमने पेपर भी बदल दिया। पेपर क्या करा हमने, 100 की जगह 50 का कर दिया, 50 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम पहले था, अभी 1 घंटे का टाइम, ठीक है, ये हो गया। तो 1 घंटे का टाइम हो गया, अब क्या है, एग्जाम है 27, 28। अब इस 28 को जो है ना, वो पढ़ रहा है आपके संडे, संडे है, ठीक है, सबसे बेस्ट चीज है, मतलब हम 3 दिन एग्जाम रखे, 27, 28, 31, किसी भी दिन, एक दिन आना, रोज नहीं आना, एक दिन आना है, तीनों में से एक दिन आके एग्जाम दो, 28 संडे। अगर आप कहीं के बाहर के हैं, कुछ भी एग्जाम एग्जाम है, तो आप सबसे बेस्ट आपके 28 बैठता, लेकिन अभी मुझे याद है झालावाड़ में सब जगह पे स्कूल में एग्जाम्स 27 से पहले पहले खत्म हो जाने हैं। तो अगर आपकी बीटीएम वीटीएम नहीं है, तो आप 27, 28, 31 किसी भी दिन एग्जाम दे, एक ही काम करना है बस आपको, ये जो तीनों नंबर हैं, इन तीनों नंबर में से किसी भी नंबर पे कॉल करके सर मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फॉर्म नहीं, कोई चार्ज नहीं है, बस आप बता दें कि सर मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है, आप नंबर बता दें, नाम बता दें, किस स्कूल से हैं, कौन सी क्लास में है, बस ये सब बता दें, और बता दें कि एग्जाम किस डेट को देंगे। खास सबसे अगर आप नहीं भी बताएंगे, आपको टाइम चाहिए, तो हमें आपको 27, 25 को एक कॉल करेंगे कि सर आप किस दिन एग्जाम दिलवाना चाहते हैं अपने बच्चे को। ये है एड्रेस जो है, 38 यूनिवर्सिटी कॉलोनी और नियम मॉडल स्कूल। आप अगर डिटेल्स नहीं भी मिलता है ना, तो आप यहाँ पे आके नियम मॉडल स्कूल के पास आकर हमें कॉल कर लें। वैसे तो पढ़ाने 5 साल से तो लगभग झालावाड़ जानती है, बट फिर भी बहुत सारे हैं जो लोग अंदर रहते हैं, बाहर रहते हैं, नहीं पता उन लोगों को, बाहर से आए हैं कहीं से, तो कॉल कर लें, नंबर से कॉल कर लें, गूगल पे है, कहीं से भी आप
गूगल मैप पे भी आ जाएंगे तो भी आप इस जगह पर पहुंच जाएंगे। अब फायदा क्या है, भाई एग्जाम दे दिया आपने फ्री का, तो बच्चा तो वैसे एग्जाम क्यों दे, बच्चे का मन क्यों? तो ये पेरेंट्स को देखना है, आपको पेरेंट्स को समझना है बात कि सर कोरोना आया था, बहुत सारी दिक्कत है पैसे की भी, ठीक है। तो अपन एक ही चीज अलग करिए कि आपके बच्चे को एग्जाम दिलवाए, एग्जाम दिलाने में कोई बुराई नहीं है अगर उसके, मैं तो मैक्सिमम बोलता हूँ 100% पे तो फ्री है, पूरे साल फ्री है। लेकिन पेरेंट्स भी समझते हैं, सब समझते हैं कि देखो पेपर का लेवल तो अच्छा होगा, नहीं तो ऐसा तो नहीं है बोले झालावाड़ पे फ्री पढ़ाने वाले। मैं आपकी तरह बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स की तरह बात कर रहा हूँ। आप तो एक काम करें, क्या करें कि अगर आपके 85% भी पेपर में आ गए, बच्चा लिया है, तो कम से कम 25% तो फीस ऑफ होगी। जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, जैसे हमारे पास पिछली बार 250-300 बच्चे थे, तो उनको भी पता है कि कोचिंग फीस माफ नहीं करती, इनको करेगी, तो ये चीज कर रहे हैं नाम तो ये प्योर है। 25% ऑफ कब, 85% आपके मार्क्स आ गए, 90% पे 50% मतलब आधी फीस ही लग रही है भाई, 15,000 है तो 7,500 रुपये में आप कितने में, 7,500 रुपये में साल भर पढ़ोगे। अभी मैंने जस्ट एक स्टूडेंट आए थे कोटा की किसी कोचिंग का नाम लूंगा मैं, आए थे 8th क्लास में, 40,000 फीस है उसकी 8th क्लास की, 40,000, यहाँ पे 10,000 है, और उसने आके हमारे यहाँ पढ़ा तो उसने कम से कम तारीफ करी है, सर अच्छा पढ़ाते हैं कम से कम यहाँ कम। एक बात और इसमें कि लास्ट चीज ये है, अभी जस्ट बात हुई कि साइंस के जो क्वेश्चन हैं 15 क्वेश्चन है ना, तो 15 क्वेश्चन जो ईवीएस है मतलब कि फर्स्ट टू फिफ्थ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन आएंगे, ईवीएस मतलब कि पूरा साइंस से एसएसटी के सब तरह के क्वेश्चन सुनाएंगे। लेकिन अगर 6th to 10th की बात करें तो प्योर साइंस, जो बुक आपने पढ़ी है उसी बुक में से आपके क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा किसी से क्वेश्चन नहीं आना, ओनली साइंस के क्वेश्चन आएंगे। अब मैं सवालों में बात करता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो बात चल रही है, जैसे प्रमोशन चल रहा है, झारखंड प्रमोशन चल रहा है, स्कूल्स में जा रहा है, स्कूल से कॉल आ रहा है, बहुत सारा चल रहा है, ठीक है। तो सवाल है कुछ उनके कि सर क्या मतलब क्लियरिटी क्या है कि आप जैसे स्टूडेंट है हमारा उसके 100% आ गए तो हम आपके पास आएंगे चेक करने के हमारी आंसर शीट क्या, क्योंकि आप आंसर शीट हमें दे देंगे एमसीक्यू से, आप करके हमें दे दोगे वो, ठीक है। तो उसमें ऐसा है कि आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें दो नंबर रहेंगे, आपके नंबर रहेंगे एक तो पर्सनल जो कि कॉल वाले हैं, एक आप व्हाट्सअप नंबर उस पर दे देना, ताकि उस व्हाट्सअप नंबर पर जैसे आपके आंसर शीट चेक होगी उसकी पीडीएफ बनकर आपको हम आपको सेंड कर देंगे, ताकि आप देख सकें कि हमारे मार्क्स कितने आए। आपको यू ना लगे कि कोचिंग ने हमारा स्टूडेंट हमारा तो बच्चा 100% वाला था, 100% आ रहा हूँ, कोचिंग ने जबरदस्ती इसको फेल कर दिया, क्योंकि वो तो फीस कम करना चाहते नहीं है। सर हम अगर फीस कम करना चाहते तो हम तो एग्जाम लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 2016 से हम पढ़ने लगे और 2020 आते थे, हमने 250-300 बच्चे कोचिंग पर कर दिए। उसका एक रीजन है, हमारी कोचिंग की एक खास बात है जो कि हम झलावड़ में चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़े, लेकिन सारे स्टूडेंट जहाँ जहाँ पढ़ते हैं उनमें एक खास बात होनी चाहिए कि हर क्लास जो है, जैसे आज 6th क्लास है हमारी बात करता हूँ मैं, कि 6th क्लास में हमारे पास 6th क्लास के स्टूडेंट ही बैठते हैं। उसको पढ़ाने के लिए जिस सब्जेक्ट का जो टीचर है, जो साइंस का टीचर है वो साइंस ही पढ़ाता है, जो मैथ्स का टीचर है वो मैथ्स पढ़ाता है, जो इंग्लिश का टीचर है वो इंग्लिश ही पढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि आया एक टीचर आया वो है ज्ञानी, उसने पढ़ाई इंग्लिश, उसी ने पढ़ा दी साइंस, उसी ने पढ़ा दी मैथ्स, जिस क्लास में 6th बेटी है उसी में 7th बेटी है, उसी में 4th बेटी है, उसी में 8th बेटी है, ऐसे कोई से पढ़ा देती है, हमने तो नहीं करी और नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा ही होता तो मुझे लगता है कि स्कूल को एक काम करते कि 1st to 10th कर दो बेटा, 1st to 10th के सारे बच्चे एक साथ बिठा दो और 4-5 टीचर उस क्लास में छोड़ दो, जिसके हाथ में जो आए जो उसको पढ़ा दे। ये चल रहा है झलावड़ में, सर यही चाहते हैं बस कि ये चीज़ें खत्म हो, कुछ नया हो, बच्चों को फायदा मिले, एग्जाम्स हो, जो टैलेंटेड है उसको फायदा मिले, जो नहीं है उसको सीखने को मिले, ऐसी जगह मिले जाओ सीखे, ऐसी जगह ना मिले जाओ बैठ के टाइम पास कर ले। तो बस यही है कि आप सब जितने भी स्टूडेंट्स से झलावाड़ के चाहता हूँ कि एग्ज़ाम तो दें, एग्ज़ाम देने में कोई बुराई नहीं होती, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जैसे 12th के बाद अगर हाई परसेंटेज है तो बाहर जाता है, वहाँ जाके उसको एंट्रेंस के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। आप जितने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं, सब एमसीक्यूज़ वाले, सभी तरीके के जो भी एसएससी वगैरह सबके इस तरीके के एग्जाम होते हैं, टाइम फिक्स रहता है, तो हम तो ये चाहते हैं बच्चा पंचुअल बन जाए, उसको समझ में आए कि हाँ मेरे 1 घंटे का एग्जाम है, 50 क्वेश्चन करने, टाइम मैनेजमेंट कैसे करूँ, मैं 10th क्लास में स्टूडेंट है, उसको ये समझ में नहीं आता पूरे साल के मेरे को टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, मतलब मुझे कब पढ़ना है, कब खेलना है, कब खाना है, कब एक टाइम अगर डिसाइड होता ना तो फिर वो कर सकता है। जैसे कि आप 50 क्वेश्चन है ना 1 घंटे में करना हार्ड तो है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं दुनिया, इसी एग्जाम में करने वाले 100% भी कर जाएंगे और नहीं करने वाले खेल बहुत सारे तो आएंगे भी नहीं। मैं तो एक चाहता हूँ कि बस एग्जाम देने आए हमारे यहाँ, एग्जाम दें और हमें दिखाएं कि हाँ सर हम जहाँ भी पढ़ते हैं जो भी हैं बेस्ट है, हमारे साथ रह के आप और बढ़िया होंगे ये हमारी गारंटी है, बट कम से कम हमें एग्जाम देके दिखाए तो सही कि आपके अंदर पोटेंशियल कितना है, आप में कितना है कि हाँ सर इतने बढ़िया है ये है। तो बस यही है लास्ट के आप जो डेट्स हैं 27, 28 और 31st of March, इन 3 दिन में से किसी भी दिन अपने बच्चे को 1st to 10th के स्टूडेंट के लिए CBSE, RBSE, हिंदी मीडियम के लिए सॉरी एग्जाम नहीं है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए है, RBSE इंग्लिश मीडियम और CBSE के लिए पूरा ही एग्जाम है 1st टू
टेंथ का, तो कोई भी आके इस एग्जाम को दे